फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल्स। आज हम प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक UPSC, MPPSC, UPSC, IAS, IPS, SSC, CGL तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप ध्यान से पढ़िएगा। हर्षवंश राजवंश है, राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र, बिंबिसार इसका संस्थापक था। शिशुनाग वंश राजगृह ही है, ये शिशुनाग इसके संस्थापक थे। नंदवंश पाटलिपुत्र पद्मानंद है। मौर्य वंश पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। शुंग वंश पाटलिपुत्र सुन पुष्प मित्र शुंग थे इसके संस्थापक। सप्तवाहन वंश प्रतिष्ठान सुमुख, चाकुवंश नागार्जुन कोष्टा वशिष्ठ पुत्र श्री संतमूला, कुषाण वंश पुरुषपुर पेशावर जो अभी पाकिस्तान की राजधानी है, कंडफ्यूशस इसके संस्थापक थे। गुप्त वंश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। होंग वंश शकल रसकोट तोरमार थे। पूर्णभूति वंश धनेश्वर कन्नौज नंदीश वर्धन थे इसके संस्थापक। पल्लव वंश कंचीपुरम सिंह वर्मन चतुर्थ। चालुक्य वंश बतापी जय सिंह प्रथम। चालुक्य मन्नखेत विजय दिव्य चालुक्य भोगी विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट मन्नखेत दंतीवर्धन इसके संस्थापक थे। सोलंकी वंश अहिल्यवाण इसकी राजधानी थी, मूल राज इसके प्रथम संस्थापक थे। परमार वंश धार उज्जैन उपेंद्र कृष्णराज। कालचूरी वंश त्रिपुरा कोपल्लम। चंदेल वंश खजुराहो ननुक। चौहान वंश अजमेर विजयरा। सेन वंश काशीपुर समंद सेन हेमंत सेन। पल्लव वंश मुगेश गोपाल। चोल वंश तंजपुरा विद्यालय।